गजरौला में लोग सड़क के किनारे कपड़ा बिछाकर धरने पर बैठ गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। मदन पाल सिंह सलारपुर निवासी ने बताया कि गजरौला में जो सड़क बन रही है, इसमें हमारी जमीन जा रही है और हमारे होटल भी जा रहे हैं। मदन पाल सिंह का कहना है कि सड़क बनने में जो हमारी जमीन जा रही है, उस जमीन का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ जनकपुर निवासी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि हमने SDM, DM व सभी जगह प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे लोगों के पास पहुंचे इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार गजरौला ने लोगों को समझाया कि धरने पर बैठने से पहले आपने थाने को कोई ज्ञापन नहीं दिया, फिर धरने पर क्यों बैठे। उधर मदन पाल सिंह ने बताया कि हमारी ये प्रक्रिया 5 महीने से चल रही है। आगे निवासियों जनकपुरी सलारपुर ये धरने पर तो बैठे हो, किस उपलक्ष्य में बैठे हो? जबरदस्ती जमीन पर कब्जा, ये हमारा जो मुआवजा तय कर लिया था अब से 5-6 महीने पहले, धरना चला हमारा साथ SDM ने और DM ने, कमिश्नर ने, सब ने वादा कर दिया था मुआवजा बढ़ाया के बसीकत का पैसा देने को। अच्छा, और उसको इन्होंने हमारा कुछ दिया भी है नहीं, आश्वासन दे रहे हैं, सड़क बनानी शुरू कर दी, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, उसके विरोध में बैठे। तो आपकी जो ये जमीन है बसीकत की, उसकी खेत की है? बसीकत की जमीन है हमारी, खेती की दोनों है हमारे, कारोबार हो खड़े हैं, होटल बने खड़े हैं, मकान बने खड़े हैं जी, वो सब कुछ उड़े हैं। नाम क्या आपका वैसे? नाम मदन पाल सिंह, निवासी सलारपुर। आश्वासन दे दिया था 2-2.5 महीने मैं करवा देंगे। आपका नाम? सत्येंद्र सिंह। गांव का नाम है जलालपुर कला, जमीन जनकपुरी में आती है हमारी। अच्छा, हम 7-8 महीने धरने पर बैठे, DM साहब ने वो दे दिया था आश्वासन के 2-3 महीने में आर्बिट्रेट पर चले जाओ, लेटर हम पे DM साहब का। अच्छा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, बिना वन विभाग की परमिशन भी नहीं ली, ना पैसा दिया हमें, अवैध कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती। तो प्रार्थना पत्र दिया था आपने? वो सब कुछ दे रखा, उसके बाद सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी आश्वासन दे दें और बस टाल दें। मुआवजा नहीं मिल पा रहा आप? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, जाए 20 रुपए की चीज के 6 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, जो हम कानून के साथ हिसाब से मान रहे हैं, हमने दिखा दिया, DM साहब को भी दिखाया, SDM साहब को भी दिखाया, काला को भी दिखाया, रजिस्ट्रार को भी दिखाया है, उसके बावजूद भी वो बोले आश्वासन दे दिया, लेटर हम पर लिखित में उनका DM साहब का, बोले चले जाओ 7 महीने में, 4 महीने में, 4-5 महीने हम आर्बिट्रेटर में भी हो गए। लेटर देने के बाद सुनवाई नहीं हुई? नहीं कुछ नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं लिया ना, कुछ नहीं लिया।